एटीएम कार्ड बदलकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हम आपको बता दें कि लंबे समय से रीवा शहर के अलग अलग एटीएम बूथ से लोगों की मदद करने के बहाने ठगी करने की वारदात सामने आ रही थी। एटीएम बूथ में अज्ञात बदमाश मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर जल्द ही किसी दूसरे एटीएम बूथ में जाकर अथवा किसी बड़े प्रतिष्ठान में खरीदारी करके उस व्यक्ति के अकाउंट से बड़ी मात्रा में पैसे निकाल लेते थे। जब घटना की भनक पुलिस प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए संयुक्त टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में प्राप्त संदिग्ध फोटो के आधार पर पुलिस ने अतुल पटेल निवासी घोपी तथा रवि यादव निवासी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में 11 लाख रुपए निकाला जाना कबूल किया गया है व दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दबिश डालकर अन्य आरोपियों के साथ 28 एटीएम कार्ड, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक बुलेरो वाहन कार, अपाचे मोटरसाइकिल तथा पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन्होंने वहाँ पर एक वकील की हत्या की थी, इंद्रपुरी इंद्रमणि शुक्ला की, थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में यूपी वो था और एक जेल में बंद थी। इसमें से कई लोग पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं, काफ़ी शातिर किस्म के लोग, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, उनकी जो मेहनत की कमाई है वो एकदम ऐसे फ्रॉड के रूप में कहीं चली जाए उससे जुड़ा हुआ मैटर है। इसलिए पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से कार्रवाई करते हुए इस जो गैंग है उसका पर्दाफाश किया है। इसमें एडिशनल एसपी आशुतोष, समान थाना प्रभारी, एसओ यूनिवर्सिटी और उनकी जितनी भी टीम है वो वास्तव में बधाई की पात्र। साथ में साइबर सेल ने इस चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ लिया और काफ़ी मेहनत से इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेने में हम लोग सफल हुए। आशा है कि इस गैंग के पकड़े जाने से और भी जो लोग हैं उन पर भी पुलिस जो भी पूछताछ में आएगी उन पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी, उनको भी सलाखों के पीछे भेजने का काम। थैंक यू।